अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स आई एम वारिस शहजाद एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस स्टूडियो लेवल इस्लामियात क्वेश्चन नंबर टू कम्पल्सरी क्वेश्चन पेपर वन जिसकी सीरीज़ को हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसके नेक्स्ट uh, क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अल्लाह रिलेशन विद हिज़ क्रिएशन ये आज का हमारा टॉपिक होगा एग्जैक्ट स्टेटमेंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुरानिक पैसेज़ दैट यू हैव स्टडीड आउट लाइन द रिलेशनशिप ऑफ अल्लाह विद हिज़ क्रिएशन तो इसके लिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो पैसेज नंबर सिक्स है यानी वर्स नंबर सिक्स से लेकर आपकी वर्स नंबर uh, जो टेन है uh, वो सारी आपके सिलेबस का पार्ट बनती है तो इसमें एज़ यू नो कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है रेलिवेंट मटीरियल जो है वो लिखना होता है इसमें आप एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपट नहीं कर सकते रीज़न भी बिहड कि इसमें आप बाउंड हैं एग्जामिनर ने आपको ये कह दिया है कि आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इसको अटैम्प्ट करना है तो हम पैराग्राफ नंबर वन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे थोड़ा सा और उसके साथ पहली वर्स जो है उसको काउंट करेंगे इंट्रोडक्शन uh, इसका इस तरह से आपने बनाना है ये दो चीज़ें जो है ये आपने बतानी है रिस्पॉसिबिलिटी के परस्पेक्टिव से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अल्लाह की बतानी है कि अल्लाह ने जब हमको क्रिएट कर दिया तो अल्लाह ताला ने हमको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक आपके पास हमारे पास जो एयर है हमारा वाटर है डे नाइट सन मून ईच एंड एवरी थिंग जी तो वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड कर दी हैं तो दूसरा ये एक एक इसका एंगल है सेकेंड एंगल जो है वो आपने ये बताना है कि कुछ रिस्पॉसिबिलिटीज़ हमारी साइड पे भी हैं टुवर्ड्स अल्लाह वो क्या है कि वी शुड वर्शिप हिम मलोन एंड वी शुड नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद हिम मीन हमें शिरक नहीं करना हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जो है उनके साथ फर्म फेथ शो करना है और उन्हीं को जो है सोल क्रिएटर जो है ये मानना है तो ये दोनों चीज़ें दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये आपने फोर टू फाइव लाइन्स जो है उनके अंदर लिखनी है दैन उसके बाद आप सूरा फातह जो आपकी पैसेज नंबर सिक्स भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यहाँ से आपने अब आप स्टार्ट कर देना है ये पहली सूरा है जो अल्लाह का रिलेशन विद हिज क्रिएशन जो है उसको डिस्क्राइब करती है तो सूरा फातह की जो मेन थीम है आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है इसी थीम को आपने माइंड में रखते हुए ये पैराग्राफ आपने कम्प्लीट करना है इसमें मैं आपको चार पॉइंट्स मेन बता देता हूँ की पॉइंट्स हैं की वर्ड्स हैं जिनको आपने ज़रूर मैंशन करना है सबसे पहली बात कि प्रेज भी हिम प्रेज क्यों करना है रीज़न बिहाइंड अल्लाह सोल क्रिएटर है अलहमद रब्बिल आलमीन पूरे जहानों का रब है तो ये फ़र्स्ट पॉइंट जो है वो प्रेजिंग का आएगा देन उसके बाद आपने पॉइंट नंबर टू जो है वो देना है कि मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला जो है ये मालिक हैं मालिक के योम द्दीन हैं डे ऑफ जजमेंट के मास्टर हैं इसको आपने ज़रूर मैंशन करना है देन नेक्स्ट जो इसके अंदर की वर्ड है वो आपने ये बताना है कि वी शुड सीक हेल्प फ्राम हिम एंड वर्शिप हिम अलोन ईया कना व ईया कन स्तीन इसकी सारी जो थीम आपने वो यही बतानी है कि जब हमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमें उससे मदद मांगनी होगी और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी होगी दैन इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपने बताना है राइट पाथ के बारे में बताना है कि हम क्या करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं वी आज केम हेल्प वो किस तरह से और वो सा, साथ में ये भी है कि वी आज केम टू शो अस द राइट पाथ और वो कौन सा पाथ वो वाला पाथ जिस पर अल्लाह ने अपनी ब्लैसिंगस की हुई हैं और उस पात से जिस पे अल्लाह ताला जो है नाराज़ होते हैं उससे हम बचने की भी साथ में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस रास्ते से बचा ले जिस पे तुमने अपना जो है वो गज़ब किया है जिस पे तुमने पनिशमेंट्स जो हैं वो दी हैं तो उस आ, उन चीज़ों से हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि उनसे हमें बचाएँ इमोडेस्ट एक्टिविटीज से बचाएँ हमें सिर्फ राइट पाथ जो है वो शो करते रहें तो ये सारी चीज़ ये सारी थीम जो है ये सूरा अल्फात की है इसको आपने डिस्क्राइब करना है इससे आपका पैराग्राफ नंबर वन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दैन आप मूव करेंगे पैराग्राफ नंबर टू की तरफ सूरा का नाम लेकर उसको लिखना है आपने कि इन सूरा अलग अल्लाह डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद हिज़ क्रिएशन इन फॉलोइंग वर्ड्स वो किस तरह से हैं इसके अंदर तीन मेन पॉइंट्स सुर अलग के आते हैं नंबर वन जो है अल्लाह ताला इसके अंदर इंपॉटेंस ऑफ नॉलेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं इकरा इसम रब्दी खलक अल्लाह ताला जो है इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आप जो हम ह्यूमन हैं जैसे कि आपको पता है के वीरा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट फाइव वर्सेज़ जो शराह अलक की हैं वो मिली थी तो ये अक्सर बच्चे ये भी करते हैं कि वो पूरी स्टोरी इसमें पुट कर देते हैं तो ये एक्चुअल कन्सेप्ट वो नहीं है यहाँ पे जो बात आपने करनी है वो ये है कि अल्लाह का रिलेशन डिस्क्राइब करना है आपने क्रिएशन के साथ तो अल्लाह ताला ने हमें क्या किया हमें हमें एक मैसेज अल्लाह दे रहे हैं कि आप क्या करें आप नॉलेज लें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यानी आप जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आएगा आप अल्लाह को रिकग्नइज़ ही नहीं कर सकेंगे तो ये वो शख्स अल्लाह से डर सकता है वो शख्स अल्लाह ताला जो है उसको उसकी पावर को मान सकता है जिसके पास नॉलेज होगा तो अल्लाह ताला यहाँ हम हमें जो है हमें ये हमसे ये बेसिक हम जो समझ लें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल रहा है वो ये है कि हम नॉलेज को लर्न कर हमें सीखना चाहिए हमें नॉलेज लेना चाहिए जैसे कि एक हदीस भी है टू तो सीक नॉलेज इज़ ऑब्लीगेटरी टू एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन ये साथ में आप रेफरेंस के हदीस भी लिख सकते हैं अच्छा इसके बाद इसमें जो second की वर्ड है second की पॉइंट है जो इसमें आपने लिखना है वो है हमारी क्रिएशन अल्लाह ताला ने हमें कंजीड ब्लड जो है उससे पैदा किया यानी हम हम तो उसके अलावा हमारी औकात ही क्या है हम तो जस्ट सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हैं इसके अलावा तो हमारी क्या औकात है कुछ भी नहीं है तो इस चीज़ को भी आपने जो है ये पॉइंट नंबर टू के साथ डिस्कस करना है दैन हमें यूज़ ऑफ पेन दिया यूज़ ऑफ़ पेन यहाँ इस सेंस में है कि नॉलेज दिया और वो नॉलेज जो है उसकी बेस पे आज हम देख लें आ, हमें पता चल सकता है कि वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड और हमें ये भी पता चल सकता है कि राइट पाथ क्या है हमने उसके साथ कैसे उस पर कैसे चलना है हमें अल्लाह ताला को कैसे रिकगनाइज़ करना है तो ये सारी बातें तीन पॉइंट्स के साथ आपने सरा अलग पे लिखनी है और इसको रेफरेंस के साथ जैसे मैंने आपको रेफरेंस बताया भी है तलाबिल फरीदत वालाक मुस्लिम यानी टू तो सीक नॉलेज इज़ ऑब्लीगेटरी टू तो एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन इसके साथ आपका ये पैराग्राफ नंबर टू जो है वो कम्प्लीट होना है पैराग्राफ नंबर थ्री पैराग्राफ नंबर थ्री जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो सूरा नाम लेकर आपने बताना है कि इन सूरज जिलजाल अल्लाह डिस्क्राइब विद रिलेशनशिप विद क्रिएशन वो किन वर्ड्स में है तीन पॉइंट्स इसके अंदर भी आते हैं नंबर वन इसके अंदर डे ऑफ जजमेंट के बारे में सूरज इट्स ऑल अबाउट डे ऑफ जजमेंट क्या के बारे में जो है इसको डिस्क्राइब किया गया वो सारे इवेंट्स उसमें बताए गए हैं नंबर टू साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट इस सूरह के अंदर ये भी बताया गया है कि जब क्यामत आएगी तो उसके साइंस क्या होंगे जैसे कि इसमें एक शुरू वाली वर्सेज़ जो है अगर आप पढ़ें उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जुलजिलात जल्दाला तो जब अर्थ कोई आ जाएगा तो उससे क्या होगा और ज़मीन जो है किस तरह से नीचे का हिस्सा ऊपर वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा और इंसान कह रहा होगा एक दूसरे से कि ये हो क्या गया है तो फिर उनको रिमाइंड करवाया जाएगा कि अल्लाह ने प्रॉमिस किया था डे ऑफ जजमेंट आएगी और अल्लाह उसका मास्टर है तो अब वो दिन आ गया है लेकिन उसके अंदर ये जो सूरह है ना इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो लास्ट वाली वर्सेस हैं जिसके अंदर आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ा डिस्क्राइब किया गया उसको बड़े खूबसूरत वे अंदर के अंदर कि वमई या मिल मिस कॉल अजर रतन खै रही जरा वमई या मिस कॉल अजर रतन शर ये दोनों पॉइंट्स आपने जो है वो डिस्क्राइब करने हैं इसमें आपने बताना है कि अगर आपका कोई आपने कोई गुड डीड किया होगा और उसका जो है वेट एक आइटम के इक्वल होगा तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और अगर आपने कोई बैड डीड्स की होंगी तो फिर आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी चाहे वो एक आइटम के इक्वली क्यों ना उसका वेट हो तो ये सारी बातें जो है ये आपने सूरा जल्जाल के परस्पेक्टिव से पैराग्राफ नंबर थ्री नाम लेकर सूरा का उसमें डिस्क्राइब कर देनी है फिर आपका आता है लास्ट पैराग्राफ और जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपके पास ऑप्शन है आप उसमें सूरा वनास जो है वो कर दें उसमें बहुत अच्छा एक मतलब उसके कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा बन जाएगा सूरा जो है वननास इसकी जो मेन थीम है वो तो इस तरह की है कि रसोलसम जो है उनको फिर आते हैं हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें आपने सुरा वन्नास जो है उसको डिस्क्राइब करना है उसकी मेन थीम जो है उसको डिस्क्राइब कर देना है सूरह उनन्नास का कॉन्टेक्स्ट बहुत खूबसूरत है उसमें आपको एक पूरी स्टोरी मिल जाती है सूरह सुरभन्नास में आपने ये बताना है कि होली प्रॉफिट पीस पी ए पोन जो है उन पर ब्लैक मैजिक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेडेक जो है वो रहना शुरू हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो सूरज जो हैं लास्ट टू सूरज जो हैं ये गिफ्ट मिली इनको मोस्तैन भी कहा जाता है खुल ऊब रब फल यानी सूरह फलक और सूरह सोरास जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट मिली और कहा गया कि आप इनको रिसाइट किया करें और आपके ऊपर ये जो इस वक्त जो डिफ़िकल्टीज हैं या जो आपके साथ जो जो जिन सरकमटांसिस में आप हैं इन सूरह से आपको रिलीफ़ मिलेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब इनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप उस मैजिक से जो है वो निकल आए और अल्लाह ताला ने आपकी हेल्प की तो इसके अंदर जो मेन थीम है एक तो शुरू में ही अल्लाह ताला ये पहली लाइन के अंदर बता रहा है कि अल्लाह ताला जो है मैन काइंड के सोल क्रिएटर हैं खलाउ बबिन नास यानी रब जो है ना अल्लाह ताला इस पूरी कायनात के वो अल्लाह ही हैं ठीक है तो वो मालिक के नास भी हैं वो इन सारी चीज़ों के मास्टर भी हैं तो ये सारी बातें ये इसमें उसकी अल्लाह ताला की पावर शो होती हैं फिर इसमें आपने बताना है कि ये जो ईवल्स हैं ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्यों वजह क्या है कि ये वो पावरफुल नहीं है पावर तो अल्लाह के पास है तो आपने जब भी कोई डिफ़िकल्टीज आनी है जब भी कोई हार्डशेप आनी है जब भी कोई इस तरह के सरकमटांसिस आने हैं तो आपको क्या करना होगा आपको अपने मास्टर आपको अपने मालिक आपको अपने रब की तरफ़ जाना है और अपने रब से जो है हेल्प मांगनी है और आपका रब भी जो है वही इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है तो ये सारे पॉइंट्स हैं ये आपको स्क्रीन पे मैंने ये सारे दिखा भी दिए हैं इन्हीं को माइंड में रखना है और इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर करना है फिर इन शह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको अल्लाह का रिलेशन विद इस मैसेंजर जो है आ, वो सारा समझाऊँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन बटन जो है उस पर प्रेस करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़